Oh,
मेरे सतगुरु जी सुन सकते पाशाह जी मिठे बोला ने मिठी तकनी ने जिहड़ा उनके दरबार में आया है जोगी होके गया है। भावे वह प्रधानमंत्री होवे, भावे वह राष्ट्रपति होवे, भावे वह संगीत की क्लास के जागरू सैनी क्यों ना हो, जिन्हों वर्ड मानता हो भी आके सतगुरु जगजीत के चरणों से नतमस्तक हो गए आखे कि तेरे मिठे बोलां दे जिन्ने हो तेरे को आने। दुनिया के बड़िया थावां है जिहड़ियां सानू गुरु जी कह के पूजदियां ने, पर असीं तेनूं लभिया है जिहड़े तेरे दर्शन करके सानू ठंड पैंदी, दुनिया के किसे कोने ते ठंड नहीं मिलती। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी मेहर बख्श करन, जेड़ा अपने मुखारवे तो वचन कीता है फिर वह कोई दुनिया की ताकत कोई शक्ति उन्हें टाल नहीं सकी, उन्हें मोड़ नहीं सकी। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी बाबत वचन क्रिया करते सन कि एक काका सर्व कला सम्राट थे, मैं ते वर देने शराब देने दरगाह मालक तो लैके आया, पर बेअंत जी ये सर्व कला समर्थ ने, ये बोलणगे भी ना जिधर तकन गए उधर नौ निदा बारह सिदा हो गई, जिस धरती चरण छुआ देंगे उस धरती से लहर बहर हो जाएगी, ये सर्व कला समर्थ ने। मैं बड़ी बार नाल जोड़ती अर्ज करता सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाही के समय तो ले लो, जो अपने निजी सेवक सुरैन सिंह या नारायण सिंह शायद उनका नाम सी, उन्हें पहला जना दिता भी भाई असि हूं इन्हें देनी हाँ अं ये दे छड़ देनी है, वह योगी रहन लगा, मन की अवस्था ढिली हो गई, चित ना लगे मन दुखी क्योंकि गुरु जी ने दस दिता सी मेरा अगला समय इदा का होगा। ता माई जी माता जीवन कौर जी एक दिन पूछे तू बड़ा ढिला है बड़ा कई दिन तो बड़ा हौला जहा है की गल ही, आंदे जी गल ये सरताज हुक्म करता भी संसार छड़ के चले जाना है, पर जेड़ी नाल वाली गल सी कि उन्होंने नाल संकेत की कर सतगुरु प्रताप सिंह जी वाल कि ये राज जो वे सतगुरु प्रताप सिंह का समा आया जो अखीरी सुहासा से बैठे ने सद के हुक्म किया काका सर्व कला सम्राट है, जिन्हें इनकी गल मननी वह श्री भैनी साहब रवे जीवन नगर रवे, जिन्हें इनकी गल नहीं मननी अपना बिस्तर चुके थे अपने घरों चला जाए, आप भी सुखी तो अभी भी सुखी। आखो तन सतगुरु जगजीत मेरे सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह वार बार यह हुक्म किया है लो भाई हम थानू सतगुरु राम सिंह के दर्शन कराने ने, हम तुम्हें सतगुरु राम सिंह ने मिलाना है। कई बार कई श्रद्धालुआ कई सिखा अर्जा की अगे का की संकेत है जी आखना के हम तो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी आ जाना है, यह गुड़ियाई की आखना है गुरु राम सिंह की तो गुरु राम सिंह ने लैनी है। मैं कुछ कु वजन अर्जा करांगा सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी जदों नहर के कंडे ते जाके नाम सिमरन का प्रवाह चलाया भजन बंदगी कर लगे सुचता दृढ़ाई एक रस इना आनंद सी कि चोखे शरीर के हुंदिया भी कोई चिड़ी नहीं चूमदी, सारे नाम जपते सन दिन ते रात अठे पैर भजन जपा जप कह लिए जपा जप का भाव आपे आप ही भजन हो जाता सी, माहौल इदा का बनाता काना के कानिया के छप्पर बना दिते कानिया के छप्पर सिखा के रहन वास्ते सारे आखो तर साहब गुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। साडे पिंड एक शरीर सी
मेनू का नाम प्यारा सिंह मसूरिया एक ना बचो सुनाया भी एक रात मेनू दृष्टांत होया दर्शन हो सतगुर सद के पूछे की दर्शन होए ने आंदे दर्शन ये होए कि मैं चढ़ाई कर गया ते सच्ची दरगाह चला गया ते जो सच्ची दरगाह गया ते एक छप्पर मिलिया मेनू कानिया का बड़े छप्पर ने देवे लगे ने साध संगत दे छप्पर मिलिया कानिया का ते मैं वह कानिया के छप्पर में बह गया लो संत जी तुहाडा डेरा लवाता इत्थे दरगाह विच ओ प्यारा सिंह आंदा जो मैं बह गया ना तो सामने में देखिया ओ बड़ा चर्च बड़ा सोहना महल छपिया बड़िया बड़िया सोहनिया कोठिया है बड़े वधिया महल ने ते मैं पूछ ही लवा भी यह महल किन्ना वास्ते ने सानू इत्थे पाया जे उन्हें उठ के जाके एक सिख श्रद्धालु नूं किसे पहरेदार नूं पूछिया महाराज चलो वधिया रही जाने कोई दिक्कत नहीं पर मैनूं दस सकदे हो आ कोठिया किन्ना वास्ते ने आंदे संत जी जिहड़े दिन रात गुरु प्रताप सिंह नूं याद करदे ने ना ये छप्पर उन्हां वास्ते ने ते जिहड़े हुण सतगुरु जगजीत सिंह दे लग लग के ते उहदे हो गए ने ना ये कोठियां उन्हां वास्ते ने जिहड़े पहरे दे मालक ते सिदक रखी बैठे ने जिहड़े सतगुरु जगजीत सिंह नूं धन आंदे ने जिहड़े हाजर ने ते सतगुरु दे सिदक रखे ने ये उन्हां वास्ते महल ने ते जिहड़े अजे वी पिछा ही रह गए ने फिर उन्हां वास्ते कानिया दीआं झुकियां ही ने सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह कानिया दीआं झुकियां बन के अज सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह महल सा सद के सद पाया कोठियां दे भावां का नाम सिमरन कराउंदे ने मच्छर मक्खियां एनी तद्दी दे विच तंगी दे विच बह के भी नाम जपना ता नाम जपदे आ फिर किते चिड़ी चूंगन दी आवाज नहीं आउणी ऐ ते आनंद च बह के सिमरन होणा ता की होया एक दिन उत्थे ही उस जगह ते संत किले आले हरनाम सिंह जी आ गए ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਿਲੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆਓ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਵਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਹੋ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਧਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਬਚਨ ਲਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਜਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝਿੜਕਿਆ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ Thank you.
ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਤਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸੇਜ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੀ ਕੀ ਏ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਏ ਕੁੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ संत जी चले गए तुर गए उठ
गए तार अपना डांगी मारदा माता बल्ली दे सतगुरु डांग चुक के नहीं पिछे भजदा डांगा जोगे आप ही कर दिंदा फिर नीलियां बन लईयां जरा बचन होया श्राप होया संत चढ़ाई कर गए श्रद्धालु आख्या फिर उठन गए जो मत पल्ली करनी हो अगे फिर हूं आंदे ना संस्कार नहीं करना की करना आंदे ना घोड़ा काट के उसे दब दो तुरकाला काम हो गया ना फिर थले बना के ना उत्तों जिम्मे आप पानी डिग्गिया बनाईया ने बना के ते विच कुरसा डाह के उत्ते पा दिता जी उत्तों लैंडर पा दिता दसो सतगुरु पूरा बोलिया चमकुंटी सुनिया हो बोल अज भी पूरा होंगे अजे तक जाके वेखो उत्ते अज भी वह बोल पूरा है मैं एक दिन बैठी हाँ जापर जोर विच मैं बैठा ते अपना गुटका मैं घर भुल गया जो मैं चंडी दी वार दा पाठ कर लगा तो मैं आसे पासे चाहती मैं क्यों ते मुंडे शरारत कीती ना मैंने गुटका ले आके दे दिता उत्ते दिखे नाम धारी ने इतने मैं पर गुटके की जिल्द जड़ी सी ना नीली मैं आखिर अपना भलाए चलो मैं क्यों पुराने समय का गुटका होना है ते ना मैंने वो दे दिता है ते मैं सब तो पहला सतगुरु राम सिंह का हुक्मनामा पढ़ना सी मैं हुक्मनामा शुरू कर दिता सुनियो जो मैं हुक्मनामा पढ़न लगा तो हुक्मनामा लिखिया सवेरे जंगल जाना जंगल जाके जे रेता मिले ते हाथ मारने जे ना मिले तो साबण ही वरत लेना मैं आखिया एक ऐसा हुक्मनामा है अगे जाके आया के सज पानी मर जाता ही उलटती जावे मैं चार को लेना ते पढ़िया मैं आखिया ए हुक्मनामा सतगुरु राम ने केड़े वेले मैं के दे दिता ओना मनमतियां दा अपनी हुक्मनामे तैयार किए मैं सारा नहीं पढ़िया के होर भी बड़ा कुछ सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी का सतगुरु प्रताप सिंह के पवित्र उपदेश में आता है धीरमल ने जिन्ना चिर सतगुरु जी सतगुरु तेग बहादुर सचपा का नाम नहीं रहा पीर नहीं लभी पानी जिन्ना चिर हाजर ना जो सतगुरु के सिद्ध नहीं आएगा पिछे कुछ नहीं मिलना प्यारा सिंह ने आख्या कसूरिए ने जे हाजर ना जो तू नहीं मने पर झुकिया जी वसो गए फिर दरगाह जाके कुछ क्या नहीं मिलनी Oh,
आलम जी कोल बैठे सी। आलम जी ने हाथ जोड़ के अर्जी की, सज्जन पातशाह कृपा करो भजन वापस लो। आंदी अच्छा, आंदी चंगा, फिर हुण मुंडे होणगे। हेठ उत्ते छे मुंडे होए हुंदे। सतगुरु दा वचन सदा नाल वसदा है। लोड़ एक सिलक दी, लोड़े सकूरी दी। हां जी
आने तू चल ना हुने आना तो गया ते घर जाके बैठा ते की होया सरपंच जी नहीं आए उड़ीक उड़ीक के फिर अंकल मंडी जाके सागर नु मिलया ते सरपंच को कीता की गल आने तू ही चल नहीं पाए हस के आंदे मैं गया कित्थे आ आंदे घरे नहीं आए आंदे जेडी तू सामने तस्वीर लाई है ना ओनू देख के ते लगदा ही नहीं कदी मैं तेरे घरों बाहर गया होवांगा
ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ਣ।